नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @StudyForCivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। UPPSC 2024 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसके लिए हम अभी से पेड क्विज देख रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थ्रू आउट द ईयर हम देखते चलेंगे, उसी क्रम में अगला वीडियो यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम। उससे पहले इन्फॉर्मेशन कि हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें दिए गए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, इसके किस गवर्नर को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स करके एक होता है जो कि अभी रिसेंटली लंदन में इसका अवार्ड दिया गया, तो इसमें जो है भारत के ये जो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ लाइफ वेल स्पेंड 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, तो IFS सर्विस के बारे में आप जानते होंगे, तो भारत के एक एम्बेसडर हैं सतीश चंद्रा। ठीक, तो इन्होंने लगभग 1965 से लेकर के 2005 तक जो है IFS में सेवा दी, तो उसी सब कार्यकाल के अनुभवों के ऊपर एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक, ऑप्शन डी को चुनेंगे हम यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह करने की घोषणा की है, तो देखिए खैर ये कितना कदम जो है कितना कारगर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। पवन ऊर्जा की हम बात करें, विंड एनर्जी की, ठीक, तो उसके कुल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में भारत दुनिया में 34th स्थान पे है वर्तमान में, और साल 2022-23 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत के किन 3 राज्यों का शीर्ष योगदान रहा उसमें, जो कि इंडिया 4th स्थान पे है इस हिसाब से, तो टॉप के 3 स्टेट्स जो हैं राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये पूरा बुक का टाइटल है। तो ये बेसिकली एक प्रकार की कह लीजिए वो है जीवनी है ना, तो 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार इस पुस्तक ने जीता है, तो ये किसने लिखा है ये बताना है। तो एक फेमस राइटर है रामचंद्र गुहा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है ये। और यहाँ पे जो ये एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज है ये बेसिकली 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, UK में दिया जाता है। ठीक, 15 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में, एक UN पीस कीपिंग फोर्स होती है, ठीक, तो पीस कीपर्स जो ऐसे कुछ डेथ हो गई है जिनकी, तो उन्हीं के सम्मान में न्यूयॉर्क में जो UN का हेडक्वार्टर है उसमें एक स्मारक दीवार का निर्माण किया जाएगा। इस पर यहाँ पे जो है महासभा ने सहमति दी है और एक प्रस्ताव पारित किया है, तो इस प्रस्ताव को किसने उस कह लीजिए UN में मतलब प्रपोज किया था ये कुल मिलाकर के पूछा गया है, तो ये इंडिया का प्रस्ताव था और यहाँ पे एक इन हमारे शहीदों के ऑनर में मेमोरियल वॉल का निर्माण किया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है UN के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश किया जाएगा, जगह का नाम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, तो 2030 तक जो भारत सरकार का टारगेट है वो है 500 गीगावाट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट, प्लीज इसको ध्यान रखा करिए कि कितना अमाउंट है और किस ईयर तक है। नौरादेही अभ्यारण किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, तो टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें जैसे मुख्य रूप से आप 53 की संख्या जानते होंगे, तो अभी तक देखेंगे सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का ही ये 7वां टाइगर रिजर्व होगा। इसमें देखें किस राज्य ने 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें से चौथा
नेशनल अवार्ड 2022 ईयर का कह लीजिए, अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया जिसको दिया है हमारे वॉइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ठीक, तो इसमें जो भी टॉप स्टेट्स, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट इन सब कैटेगरीज को देखते हुए, तो उसमें टॉप पे है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए को चुनेंगे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन 16 जून 2023 को किस शहर में हुआ? तो देखेंगे, ये पहला वुमेन्स कबड्डी लीग है, इसमें लगभग पूरे देश से जो है 120 से ज़्यादा वुमेन कबड्डी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये इनॉग्रेट किया गया दुबई में, है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। ठीक, बेसिकली एक हमारे देश के एक वेल नोन रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं अश्विंदर आर सिंह, है ना, डी विकल्प में जिनका नाम लिखा है, उन्हीं की ये पुस्तक है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा मेयोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे मेयोन वोल्केनो इरप्शन अभी रिसेंटली था, यहाँ फिलीपींस में है ये, ऑप्शन बी को चुनेंगे। यहाँ जापान के बगल में आप जो देश देखते हैं ना, आइलैंड नेशन फिलीपींस, कैपिटल है इसकी मनीला। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे, किस मौर्य शासक ने सीरिया का जो शासक था एंटियोकस वन, है ना, काफ़ी फेमस नाम है, हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो एंटियोकस वन से जो देखेंगे, इसमें आपका मौर्यन डायनेस्टी से रिलेशंस रहे थे, तो उसी क्रम में मौर्यन शासक थे, एक सेकंड, आपका जो है ये बिंदुसार। ठीक, तो बिंदुसार ने एंटियोकस वन से अपने लिए अंजीर, शराब और कुछ दार्शनिक, है ना, इनको भेजने के लिए कहा था, तो ध्यान रखिएगा विकल्प ए जो है ये करेक्ट है। इसमें देखें, टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ दिल्ली किसके शासन में लाए गए थे, किसके शासनकाल में? तो अशोकन पिलर्स, है ना, या अन्य जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये सब काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में, इनको पढ़िएगा। उसी क्रम में ये टोपरा में एक जो है आपका पिलर इंस्क्रिप्शन था, टोपरा बेसिकली वर्तमान जो हरियाणा है इसका एक ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का एक विलेज है। ठीक, तो वहाँ एक पिलर इंस्क्रिप्शन था और उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वहाँ, तो इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली जो है लाया गया था। नेक्स्ट है, वाड़ा तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है, तो महाराष्ट्र में फ्लो होने वाली रिवर हैं ये, कृष्णा की सहायक हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल दिए गए राज्यों में सबसे कम है? तो जैसे यहाँ पे अब इन राज्यों में सबसे छोटा है बिहार। ठीक, मैप में भी इन चारों स्टेट्स को लोकेट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है? ठीक है, तो पर यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम देखेंगे इन सभी सोर्सेज ऑफ फ्यूल में, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इधर बीच आप देख रहे होंगे कि जैसे हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, हाइड्रोजन पे आधारित व्हीकल्स वगैरह भी काफ़ी जो है अब इधर मतलब इनका जो प्रमोशन है हो रहा है लगातार। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो आयरन है, आयरन के ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिंक की, है ना, इसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, या हिंदी में एक टर्म होता है यशद लेपन। ठीक, हो सके तो हिंदी वाले भाई लोग इसको भी याद रखिए आप, तो ये बेसिकली रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला रेस हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट इसको खोला जाएगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, रेस नहीं रेल होगा। ठीक है, रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच, जैसे रेलवे के जो डिब्बे होते हैं उस पर आधारित एक रेस्टोरेंट जो है ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में खोला जाएगा। हाल ही में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया ओपन का ये खिताब है जो है बैडमिंटन का, तो इसमें भारत की तरफ से जो मेल डुएट का कह लीजिए जोड़ी है जो, तो ये सात्विक साईराज और चिराग, ये दो प्लेयर्स जो हैं इन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश की पुरुष फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है? तो ये ध्यान रखेंगे कि ओडिशा के भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किया गया है और फुटबॉल का आयोजन है, और ये इंडियन टीम जीती है लेबनान को हरा करके। नेक्स्ट है, 37th नेशनल गेम्स का ये मैस्कॉट अभी अनवील किया गया है जो कि है मोगा। ठीक है, तो किस स्टेट में ये 37th नेशनल गेम्स होंगे ये बताना है, तो जैसे लास्ट वाला गुजरात में हुआ
ये वाला होना है गोवा में, ऑप्शन सी। और मोगा जो है, अगर इसको एक बार इमेज सर्च करके देख लीजिएगा, ये बेसिकली एक बाइसन है, ठीक है। बाइसन का मतलब कह लीजिए एक प्रकार का जंगली सांड कह लीजिए। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस की स्थापना वर्ष आपसे पूछे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर, काफ़ी सारी अगर आपने जो जिसे इसमें पूजा पाठ में आप रुचि रखते हैं तो कई सारी पुस्तकें आपने देखी होंगी जो गीता प्रेस से छपती हैं काफ़ी व्यापक पैमाने पे, और लगभग 14 लैंग्वेजेस में ये लोग पुस्तकों को छापते हैं, ठीक। तो गीता प्रेस यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था 1923 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, और अभी हाल ही में गांधी पीस प्राइज जो एक लिटरेरी अवार्ड है, तो 2021 का एडिशन इनको दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्यस्थता कानून में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो जैसे किसी विवाद के संबंध में दो पक्षों के बीच जो मध्यस्थता कराई जाती है, सुलह कह लीजिए, उसके रेफरेंस में जो हमारे लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है 16 मेंबर्स की, जिसके अध्यक्ष हैं टीके विश्वनाथन, जो भूतपूर्व सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, ठीक। तो बी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभियान जिसका नाम है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन, इसके लिए हाथ मिलाया है? तो यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है IT मिनिस्ट्री भारत का और गूगल के बीच में, है ना, एक साइबर सिक्योरिटी कैंपेन है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन। हाल ही में किस क्रिकेटर को विंडसर कैसल में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं मोइन अली, इनको दिया गया है ये। अच्छा, ये बताइए जरा कमेंट करके, विंडसर कैसल क्या है? हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता है, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स रेसिंग की एक्टिविटी आप जानते होंगे, तो ये जीता है मैक्स विस्टैपन। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इंडोनेशिया के, यहाँ पे इसको सटारिया भी पढ़ सकते हैं, सटारिया 1 संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया है? तो ये ध्यान रखना है कि ये सटारिया 1 जो सैटेलाइट है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इंडोनेशिया की है, और इसको लॉन्च किया था और प्लेस किया है सैटेलाइट में SpaceX ने, ठीक, जो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है एलॉन मस्क की। हाल ही में वैकासी विसाकम, ये एक उत्सव का नाम है, किस राज्य में मनाया गया? तो साउथ इंडिया में लॉर्ड मुरुगन को काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, ठीक, इनको गॉड ऑफ वॉरियर कह सकते हैं आप, ठीक। तो इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज वैकासी विसाकम, तो तमिलनाडु को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस लेखिका ने निबंध जिसका नाम है आज़ादी, इसके लिए 45th यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है? तो ये काफ़ी फेमस राइटर हैं अरुंधति रॉय, इनको मिला है। नेक्स्ट है, जून 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए लगभग स्वामीनाथन जानकी रमन, इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अब इस प्रश्न में देखिए, सुमेलित करना है, हमारे पास कुछ ये हिस्टोरिकल बुक्स हैं और उसके राइटर का नाम है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कोट्स दे रखे हैं तो इसके ऊपर यहाँ ABCD ऐसे नीचे नीचे समझिएगा कि A के नीचे 2 होना चाहिए तो वो सही होगा, B के नीचे 3, तो इस प्रकार से इसको मैच करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अब एक ये बता देते हैं, जैसे चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो सी का होना चाहिए 2, तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा, खैर ये आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, उसके हिसाब से इसको बाकियों को भी मैच कर लीजिए, डी विकल्प हमारा जो है वो ठीक होगा इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास जो राजवंश हैं उनको काल क्रम में लगाना है, यानी कि क्रोनोलॉजी, टाइम पीरियड आपको पता होगा तभी आप इन चीज़ों को और लगा पाएंगे, और UPSC आयोग जो है ये सब काफ़ी फेवरेट इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो पूछता है क्रोनोलॉजी लगाने के लिए या फिर मैच कराने के लिए, है ना, 4-4 के पेयर में। तो इसमें देखेंगे सबसे अर्लीस्ट है आपका जो है मगध रीजन की बात करें तो हरियंक वंश, ठीक, अराउंड 545 BC के आसपास, उसके बाद शिशुनाग वंश है, फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका नंद वंश, है ना, नंद वंश की बात करें तो 345 के आसपास, और उसके बाद आएगा शुंग वंश, ठीक। तो यहाँ पे डिटेल में इन सारे वंशों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से टाइम पीरियड इनका देखिएगा, इसमें हम चुनेंगे ऑप्शन A को।
आगे देखें चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को किसने भेजा था। तो इसमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री में आप, तो अवंती किंग थे ये चंड प्रद्योत, इनको हो गया था पीलिया, तो उन्हीं के इलाज के लिए जो है अपने रॉयल फिजिशियन को बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है, जीवक नाम था उनका, तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बी विकल्प हमारा करेक्ट है। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के रीजन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो माउंटेनियस पासेस हैं कुछ, है ना, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को माउंटेनियस रीजन्स में जोड़ते हैं, तो उसी में से यहाँ पे शिपकीला दर्रा जो है वो कनेक्ट करता है इनको। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ग्लास यानी कि कांच को मैन्युफैक्चर करने में देखेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसी में यहाँ पे सिलिका को हम चुनेंगे, और जो सबसे कॉमन सिलिका जो ग्लास मेकिंग में यूज़ होता है वो क्या होगा? सैंड, है ना। अब यहाँ पे कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे गए हैं और कब ऑब्जर्व किए जाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसी में से एक है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, है ना, तो इसके रेफरेंस में जो डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष वो है 21 फरवरी, है ना, इसमें 20 लिखा था इस वजह से ये गलत है। फिर से देखिए इसमें कौन सा पेयर इसमें इनकरेक्ट है, गलत है, तो रिवर्स हैं कुछ और संबंधित ओरिजिन का प्लेस है, है ना, तो जैसे ये नर्मदा रिवर है तो यहाँ पे अमरकंटक हिल्स अगर होता तो ये सही होता, तो इसमें फिर ये डी इसके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्थान है ये, इसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है कि विश्व भर के जो देश हैं उसमें जो प्रेस काम करती है क्या उनकी स्थिति है, कितनी उनकी फ्रीडम है या क्या उनकी परफॉर्मेंस है, है ना, तो उस क्रम में जो कुल 180 देशों की रैंकिंग आई उसमें भारत का स्थान पूछा गया है, तो भारत का स्थान है 161, ऑप्शन सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये पूरी बुक का टाइटल है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये आने वाले दिनों के एग्जाम्स के लिए, हमारे नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, है ना, इनकी पुस्तक है। हाल ही में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये जो है हमारे फेमस इंडिया के इंजीनियर इनोवेटर कह लीजिए सोनम वांगचुक, है ना, इनको दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, तो सबसे पहले नॉन इंडियन जो इसके रिसीवर हुए वो थे ये अब्दुल गफ्फार खान जी। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट, मतलब ब्रिटिश टाइम में देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का रीजन था, अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला रीजन है, यहाँ से जो है मूवमेंट को लीड कर रहे थे ये, और इन्होंने जो एक फेमस रेड शर्ट मूवमेंट था वो भी चलाया था। ठीक, तो इनको दिया गया था 1987 में, तो यहाँ पे जो है ए को चुनेंगे। और एक चीज़ और इसी में ध्यान रखिएगा कि नेल्सन मंडेला को आप अफ्रीका के रेफरेंस में जानते होंगे, इनको भी दिया गया था 1990 में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो जैन धर्म में आप देखेंगे कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में आपको पढ़ना है, जो सबसे पहले थे है ना ऋषभनाथ जी, और सबसे अंतिम में जो हुए महावीर स्वामी जो सबसे पॉपुलर हैं। ठीक है, इनके नंबर तो मतलब आपको याद होने चाहिए, उसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी जानते रहें। तो इसी में जैसे अब यहाँ पे देखें हम ये संभवनाथ डी ऑप्शन में है, तो ये तीसरे नंबर के जो है वो थे तीर्थंकर थे, दूसरे पे अजीतनाथ थे जैसे। ठीक, नाथ मुनि की अगर हम बात करें तो इनका नंबर था जो है नाथ मुनि ही नहीं थे। ठीक है, जैसे नेमी नाथ की अगर हम बात करें तो ये आपके थे जो है 22वें नंबर के। ठीक, चंद्र प्रभा जो है ये इसमें 8वें नंबर पे थे। ठीक, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन को हम और यहाँ पे चुनेंगे। नेक्स्ट है काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो वज्रयान जो बुद्धिज्म के लोग हैं है ना वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन ए को चुनेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो भारत में जितने भी एंशियंट कह लीजिए हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या अन्य एक्सकेवेशंस होते रहते हैं उन सब के लिए उत्तरदायी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसोसिएटेड कार्यालय है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे अर्लीस्ट टाइम पे इंडिया में देखेंगे तो उसकी एस्टैब्लिशमेंट का वर्ष कई बार पूछ लेते हैं 1861 में।
लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो एक प्रकार का जो है डांस ड्रामा है, फोक डांस, स्टेट ऑफ कर्नाटका का। ठीक, ऑप्शन डी को चुनेंगे और समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को यहाँ पे। जो क्वेश्चंस प्लीज़ आपसे पूछे गए होंगे उसको बताइएगा और संबंधित इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स वगैरह में से डिटेल में पढ़ते चलें। हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।